दोस्तों आईपीएल में पहली बार बने 250 रन और ये मैच काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग था, जहां इस मैच में एक के बाद एक हर खिलाड़ियों ने काफी बड़े बड़े छक्के जड़े। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 38वां मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन दोस्तों इसके जवाब में लखनऊ की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली और दोस्तों लखनऊ ने पूरे 257 रन बना दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जहां दोस्तों ये स्कोर इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है और दोस्तों ये आईपीएल इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आरसीबी की टीम ने 2013 में 263 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करा था और वो मैच बेंगलुरु में खेला गया था, जहां दोस्तों उस मैच में हमें क्रिस गेल के बल्ले का जादू देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस मैच में हमें कई सारे बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का योगदान दिया, तब जाकर लखनऊ की टीम 250 रन बना पाई थी। जी हां दोस्तों, लखनऊ की तरफ से इस मैच में काइले मेट ने जहां 24 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली और उनके बल्ले से 4 छक्के के साथ 7 चौके निकले थे, तो आयुष बदौनी ने भी 24 गेंदों में 43 रन बनाए थे और उन्होंने भी 3 छक्के के साथ 3 चौके जड़े थे। तो दोस्तों इस मैच में सबसे शानदार बल्लेबाजी मार्कस स्टोइनिस की रही, क्योंकि उन्होंने 40 गेंदों में 5 छक्के के साथ 6 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुए थे। तो निकोलस पूरन का बल्ला एक बार फिर से इस मैच में चला और उन्होंने केवल 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे और उनकी इस पारी में 1 छक्के के साथ 7 चौके शामिल थे। ऐसे में जहां दोस्तों इस मैच में पंजाब की टीम 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन दोस्तों पंजाब की बल्लेबाजी भी इस मैच में कमाल की रही। जहां दोस्तों अगर पंजाब के बल्लेबाज शुरुआत के पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते तो ये मैच आखिरी तक जाता और ये मैच पूरी तरह फंस सकता था, लेकिन पंजाब की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी क्योंकि उनके शुरुआती ओपनर बल्लेबाज 31 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे और ओपनर बल्लेबाजों ने इस मैच में कोई भी योगदान नहीं दिया था। लेकिन इस मैच में युवा बल्लेबाज अथर्वा ट्राइडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और उन्हें 36 गेंदों में 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और उनकी इस पारी में 8 चौके के साथ 2 छक्के शामिल थे, तो उनका साथ सिकंदर राजा ने भी दिया था जिन्होंने 36 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद पंजाब की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी क्योंकि इसके बाद उनके एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, जहां आखिरी में आकर जितेश शर्मा ने 10 गेंदों में 24 रन बनाए लेकिन वो भी आउट हो गए। और दोस्तों इस मुकाबले को लखनऊ की टीम ने 56 रनों से जीत लिया है और लखनऊ के गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करी, जहां इस मैच में यश ठाकुर ने अपने 4 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे तो नवीन उल हक ने भी 3 विकेट लिए थे। और दोस्तों ये मैच जीत कर लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो पंजाब की टीम को भारी नुकसान हुआ है और पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 6 नंबर पर है। ऐसे में दोस्तों इस मैच में मार्कस स्टोइनिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि उन्होंने बल्ले से काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और उन्हें अपने बल्ले से 72 रनों की पारी खेली तो एक विकेट भी उन्होंने चटकाया था।